अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपके सामने एक और वीडियो के साथ। आज जो मैं इस वीडियो में आपके सामने लेकर आया हूँ वो हैं दो खुशखबरियाँ, टू गुड न्यूज़। जौन सी फर्स्ट गुड न्यूज़ है वो ये है कि हमारी फैमिली में एक न्यू मेंबर आने वाला है। यस, माय वाइफ इज़ एक्सपेक्टिंग। अब मसला ये है कि कौन सी वाइफ है आप? तो मेरी तो तीन वाइफ हैं, तो उनमें से कौन सी वाइफ है आप गेस करें। सो जो मेरी ब्राज़ीलियन वाइफ है, शी इज़ एक्सपेक्टिंग एंड वी आर गोइंग टू हैव वन ब्राज़ीलियन ब्लड इन आवर फैमिली। यस, सो दिस वाज द फर्स्ट गुड न्यूज़ विच आई वांट टू शेयर विद यू गाइस। द सेकंड वन इज़ दैट आई एम ट्राइंग टू मेक वन प्लेटफॉर्म ऑन वन वेबसाइट फॉर पीपल वेयर दे विल बी एबल टू find help related to polygamy. First of all, मैं आपको बता दूं कि मैं एक platform और एक website क्यों बनाना चाह रहा हूं और क्यों बनाने का सोच रहा हूं और इसके idea क्यों आया और इसके ऊपर working मैंने क्यों शुरू की। उसकी reason ये है कि जब मैंने शादी एक से ज़्यादा करनी थी तो जो जो challenges मैंने face किए, जो problems मैंने face की, जो जो issues मुझे face करने पड़े इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिसिंग पॉलीगैमी, नॉट ओनली कि जो मुझे प्रॉब्लम फेस आई सोशली, जो माशिकी चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़े, उसके अलावा जो फाइंड आउट करना था, सर्च आउट करना था प्रॉपर पर्सन या जो लेडीज़ इंटरेस्टेड हों पॉलीगैमी के अंदर, वो बहुत डिफ़िकल्ट था। नॉर्मली तो प्रोसेस ऐसा होता है कि आप पाकिस्तान में वर्ड ऑफ माउथ से बात करते हैं कि जी हाँ जी मैं इंटरेस्टेड हूँ और आप बात यहाँ तक पहुँचती है, आपको दोस्त अहबाब से, लोगों से, रिश्तेदारों से पता चलता है कि जी यहाँ पे कोई इंटरेस्टेड है जो एक से ज़्यादा शादी करना चाहती है, या यहाँ पे कोई बेवा डिवोर्स या मुतलका या कोई और इंटरेस्टेड है जो शादी करना चाहती है, और आप भी बताते हैं तो आपकी भी वो फाइंडिंग में आसानी हो जाता है। एक नॉर्मल प्रोसेस है जितना रिश्ता ढूंढने का। मगर मसला यह है कि हमारे माशरे के अंदर इस चीज़ को इतना नेगेटिव समझा जाता है, बुरा समझा जाता है, तो वो तो आप बात ही करो माशरे के अंदर तो वो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। वो शादी में कहते हैं हाँ है ऐ की गलना करता पे है, तो इस तरह की बात सुनने को मिलती है। तो इसलिए जो सा वो हाँ है वाला हिसाब होता है, आज के दौर से कौन काम करता, वो पुराना ज़माना सी, पुराने दौर से करते सन, हूँ अज दियाँ बंदे औरत नहीं कर सकते, बंदे अफोर्ड नहीं कर पाते थे, औरत जीरिया ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर दियाँ। तो इस तरह की बातें जौन सी हैं करते हैं लोग। सो इस वजह से ये जो बातें सुनने को मिलती हैं, एक तो सोशल चैलेंजेस हैं, माशरती चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और दूसरा फिर फाइंड आउट अगर आपने वेबसाइट पे जाना है या कहीं से भी, जब मुझे इस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े, फिर मैंने मैरिज साइट्स या जितनी भी वेबसाइट्स हैं बनी हुई शादी के लिए जाने की कोशिश की। अक्सरियत वेबसाइट पर तो पहले अलाउ ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, अलाउ ही नहीं है कि जी एक से ज़्यादा शादी के लिए आप लुकआउट कुछ कर सकते हैं। बहुत ही लिमिटेड वेबसाइट्स हैं और जो कुछ हैं वेबसाइट्स वो फेक प्रोफाइल स्कैम्स से भरी पड़ी हैं। तो ये रीजंस था कि मुझे स्कैमर्स का फेस सामना करना पड़ा, फेक प्रोफाइल्स का सामना करना पड़ा, नॉन सीरियस लोग, मेजोरिटी ऑफ पीपल जो उनसे हैं वो एक्सप्लिसिटी जो उनसी क्या कहते हैं सेक्सुअलिटी में, और यानी हर किस्म की फजूल जो जिसके ख़िलाफ़ मैं काम करना चाह रहा था वही मुझे मिल रहा था कि लोग जना और फजूलियत की तरफ बढ़े हुए हैं। और लड़कियां आपसे, आप अगर शादी के लिए बात करेंगे तो कहेंगी ना हमसे दोस्ती कर लें, हम दोस्ती के लिए करना चाहते हैं, हम शादी नहीं करना चाहते। मींस इस तरह की चीज़ें जो उनसी हैं मुझे देखने को मिली, तो मैं तो एक चीज़ को जो प्रमोट करना चाह रहा था कि एक से ज़्यादा शादी जो हलाल काम है उसको किया जाए और हराम से रुका जाए। अडल्ट्री एक इतनी आम हो चुकी है हमारे माशरे के अंदर, तो उसके लिए बहुत से चैलेंजेस थे। तो इसलिए मैंने फिर जो अब मैं वेबसाइट जिस पे वर्कआउट कर रहा हूँ और जिसके लिए जो मेरा आइडिया है और होपफुली इट गोना बी सक्सेसफुल वन, उसके अंदर बहुत सी एक चीज़ें होंगी जो मैं बताना चाहता हूँ, वो ये है कि ये जो वेबसाइट होगी ये एक काइंड ऑफ अ ब्लॉग एंड अ काइंड ऑफ अ कम्युनिटी, इट्स गोइंग टू बिल्ड अ कम्युनिटी, सेम माइंडेड पीपल विल कम दैट प्लेस। फिर उसके अंदर फेक प्रोफाइलिंग नहीं होगी, स्कैमिंग नहीं होगी, खासकर वेबसाइट पे अगर आप किसी लड़की को ढूंढ रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं पार्टनर, वो आपसे पैसे मांगना शुरू कर देंगे। कितनी अक्सरियत तो वेबसाइट पे पैसे मांगने के लिए बैठे हुए, हमारे हालात ख़राब है, हमारा फलां ये है, हमारा ये कर दें, हमारा वो कर दें, यानी मीन्स शादी के लिए, शादी की वेबसाइट पर इस तरह के लोग बैठे हुए हैं। तो नॉन सिंसियरिटी,
तो मेरी जो वेबसाइट बनाने का मकसद है और जो होगी उसके अंदर सिंसेरिटी होगी, रियल पीपल होंगे, फेक आईडीज विल नॉट बी एबल टू क्रिएट, उसके अंदर बहुत सारा ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होगा, सीरियस पीपल विल जॉइन देयर, और उसके अंदर जो आंसर है सिर्फ और सिर्फ सोल पर्पज़ शादी होगा, और जो प्रोसेस और चैलेंजेस मैंने फेस किए वो जो उनसे उस वेबसाइट के अंदर नहीं होंगे, किसी किस्म का स्कैम और ये पैसे मांगने वाला चक्कर वहाँ पे नहीं होगा। और अगर कुछ टाइम के बाद अगर हमें कोई भी चीज़ उसके अंदर लगती है कि फेकनेस नज़र आएगी, वो प्रोफाइल उड़ा दी जाएगी, और कम्युनिटी बिल्डिंग होगी वहाँ पे, एक कम्युनिटी जो उनसी है हम माइंडेड पीपल को इकट्ठा किया जाएगा, ये मेरा एक मकसद है। दूसरा जो उनसा है ब्लॉग होगा, माई पर्सनल एक्सपीरियंसिस, माई पर्सनल लाइफ एंड हाउ we can make it better, how we need to change the mind of men and a woman for this cause, aur ye cheez ko normalize karne ke liye, isko promote karne ke liye aaj ke daur mein iske liye mind building bahut zarurat hai, mind ka change hona bahut zarurat hai, auraton ki jo mind building hai related to polygamy aur unke jo fears hain, aur phir uske alawa jo ek fantasy bana di hui hai relationship mein, wo unsi hai mardon aur auraton ke andar, wo bahut cheeze change karne ki zarurat hai। So this is the two news which I wanted to share with you guys. Soon I'm going to upload some videos. I have conducted one interview with my wives, wo upload karunga, aur recently more videos start coming up. Maine kuch sawalat ke jawab dene ki koshish ki hai us interview mein, kyunki log sawal karte rehte hain, so I hope you would like it. Tab tak ke liye stay tuned.